जैसे कि आपको पता है आज है 1 जनवरी 2020 मतलब 2020 का पहला दिन। तो मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ आप सबके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आप लोगों की जो भी विशेज हैं सारी फुलफिल हो जाए और आप सब हैप्पी हैप्पी रहें। जैसे कि साल बोलते हैं ना, साल का पहला दिन जैसा जाता है वैसे 2020 का आपका सारा साल जाएगा। तो मैं आप सभी से यही होप करती हूँ कि प्लीज़ हंसते रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए और आपका 2020 का साल बहुत अच्छा जाए। तो ये होगी 2020 की बात, नए साल की बात। आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरा मेन पर्पज़ है आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी है माता पिता के बारे में। तो जितना हो सकता है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। माता पिता, जैसे कि आप सभी को पता है, माता पिता हमारे लिए वो अमूल्य देन है भगवान की तरफ से जो किसी किसी के नसीब में होती है। बोलते हैं ना, माँ बाप सबके नसीब में होते हैं, पर उस चीज़ को सहज के रखना, संभाल के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। आजकल की यूथ क्रेज की प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले है फ़ोन। आजकल आप देखोगे पेरेंट्स अपने कमरे में, बच्चे अपने कमरे में, ना ज़्यादा इंट्रैक्शन माता पिता का बच्चों के साथ, ना बच्चों का इंट्रैक्शन माता के साथ, ना पिता के साथ। तो ये आज की जो मैंटेलिटी है वो आजकल के यूथ में बैठ चुकी है कि फ़ोन, आजकल के बच्चों के लिए फ़ोन सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं आज के बच्चों को एक बात बोलना चाहूँगी, फ़ोन माना फोन आज के ज़माने में ज़रूरी है, इसे हद तक इम्पोर्टेंस भी रखता है, बट लिमिट का यूज़ करो। जिन पेरेंट्स ने तुम लोगों को जन्म दिया, तुम्हारी इतनी केयर की, तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालते हैं, तुम्हारे लिए इतना खर्चा करते हैं, इवन आप लोग उनके लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हो। सबसे बड़ी बात देखी जाती है, मान लो बच्चा स्कूल गया, कॉलेज गया, आया कॉलेज से, ठीक है, अपने माँ बाप के पास आए, बैठे, बताए पूरा अपना दिनचर्या, आज हमने ये किया या फिर हमने ऐसा किया। ऐसा ना करते हो बच्चे सीधे आते हैं, बैग रखा, खाना खाया और जाके फ़ोन में लग जाते हैं। उन पेरेंट्स का सोचा जो सोचते हैं दिन भर हमारे बच्चे थक कर आएंगे, हमसे बात करेंगे, आखिर बताएंगे कि हमने माँ ये किया, हमने ये वो किया, हमें वो किया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है, बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं और फ़ोन में लग जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली फॉर जो हमारा यूथ है, जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स को टाइम दो, बिकॉज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है पेरेंट्स। समझ रहे हो ना इस बात को? पेरेंट्स वो चीज़ है जो हमें भगवान से मिलती है, पर सेहत के तो हमें रखना है ना। सोचिए पेरेंट्स हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, बचपन से लेकर जवानी तक जितना हो सकता है, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे में भी हमारा साथ देते हैं। तो कुछ कर्तव्य हमारे भी पेरेंट्स को लेकर हैं। तो बस गाइस, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स को टाइम दो। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा नेट है, मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, हमारे पास नेट है, हम पूरा दिन अपने पेरेंट्स को टाइम देंगे, वो हमारा आवाज़ दे लगा रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, मम्मा आया 2 मिनट में, मम्मा आया 5 मिनट में। बोलने का मतलब ये है कि जब पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं, वो हमें किसी काम के लिए बुलाते हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रुको फ़ोन चलाने दो, उसके बाद आते हैं। दैट्स नॉट फेयर ना। अपना अगर पेरेंट्स ने हमें बुलाया, उसी टाइम जाओ, हाँ जी मम्मा, कुछ टाइम ऐसा निकालो। देखिए हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो उन 24 घंटों में से इवन हम 3-4 घंटे तो ऐसे निकाले कि जो सिर्फ हम अपने पेरेंट्स को दे सकते। उतना टाइम जितना हम फोन पे देते हैं उसका हाफ तो हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, उनको बताएं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। कभी कभी पेरेंट्स को ये लगता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, या फिर ऐसा कौन सा फ़ोन में वो उनको मिल चुका है कि वो जो ज़्यादा टाइम हमें ना देते हुए फ़ोन पे देते हैं। पेरेंट्स को एक गिल्टी सा फील होता है कि ऐसी पता नहीं कौन सी बात है, या हम अपने बच्चों के अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पा रहे जो हमसे बातें शेयर नहीं करते हैं, दिन रात फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी टेंशन दूर करते हुए जितना हो सकता है, जितनी बातें आप फ़ोन पे करते हो उसका हाफ अगर आप अपने पेरेंट्स से करोगे ना, तो उनको ज़्यादा बेटर फील होगा। तो आप लोगों से ये इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, कि जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स को टाइम दो, क्योंकि पेरेंट्स हर किसी के नसीब में नहीं होते। पेरेंट्स अगर आपको मिले हैं तो उनके प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास वो चीज़ है, अगर एक बार वो चले जाए ना तो वापस कभी नहीं आते। तो बहुत लक्की हैं वो बच्चे जिनके पास पेरेंट्स हैं। तो प्लीज़ आज की यूथ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनको कभी डिसफॉलो मत करो, क्योंकि हमारे पास माँ और बाप दो ऐसे शख्स होते हैं जिनके अलावा पूरी दुनिया अगर हमारे अगेंस्ट भी खड़ी हो ना, और अगर वो दो लोग हमारे साथ हो ना,
तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को एंड सेकंड वन इज फोन। मैं ये नहीं बोलती हूँ फोन मत चलाओ, अच्छी बात है, इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आज के यूथ जनरेशन में हमें काफी कुछ सिखा रही है, बट सबसे पहले पेरेंट्स, इंटरनेट से पहले अगर हमारे पास कोई चीज थी तो वो थे हमारे पेरेंट्स। तो इंटरनेट जो बताएगा, आई एग्री विद यू, आप सभी बोलोगे कि हाँ इंटरनेट के बारे में ऐसा, आई नो इंटरनेट जरूरी है, फोन जरूरी है, आपका आपका फ्यूचर जरूरी है, आपकी सब कुछ जरूरी है, बट जितना इंपॉर्टेंस आप अपने फ्यूचर को दे रहे हो उसका 1% भी अगर आप अपने पेरेंट्स को दोगे ना तो आपका फ्यूचर खुद आगे की तरफ जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जितना हो सकता है नए साल के दिन एक इतना सा ले लो कि हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स की आंखों में कभी आंसू ना आए। आजकल मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स बेचारे हर्ट होते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको टेंशन होती है। और इसी बात पे एक और मैं बात बोलना चाहूंगी फोन के साथ साथ कि स्पेशली फॉर बॉयज, एक ड्रग्स को थोड़ा अवॉइड करें, सेकंड वन इज फोन को अवॉइड करें। बस अगर ये दोनों चीजें आपने ज्यादा अवॉइड कर दी ना, आई प्रॉमिस यू कि आपके पेरेंट्स कभी हर्ट नहीं होंगे। और जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, बोलते हैं ना अगर पेरेंट्स खुश रहे तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर भगवान को खुश देखना चाहते हो, खुद को खुश देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को खुश रखो। बोलते हैं ना जिस घर में पेरेंट्स हंसते हैं, जिस घर में पेरेंट्स खुश होते हैं, उस घर में भगवान जी भी खुश होते हैं। इसीलिए अपने पेरेंट्स को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, जितना टाइम हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन आपको पता लगेगा ना कि आपके पेरेंट्स आपकी वजह से खुश हो रहे हैं, आपकी वजह से उनको खुशी मिल पा रही है, वो दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। बस इतना बोलूंगी जाते जाते कि अपने पेरेंट्स को बहुत 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 खुश रखिए, और मेरी तरफ से आप सभी की फैमिली को, आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए और दूसरों में खुशियां बांटिए। बाय बाय, धन्यवाद।